नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी तमाम दोस्त मित्र एवं परिजनों को। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज ये सुंदर सा नज़ारा आप हम सभी जो देख पा रहे हैं, ये और कहीं नहीं हमारा जाना पहचाना डाइट पिंडराजोड़ा का है। और आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे बोकारो जिला अधीनस्थ डाइट पिंडराजोड़ा के अंतर्गत एफएलएन रिसोर्स सेंटर का इनोग्रेशन जो हो रही है या होने वाली है, उसी के ये फुटेज है। आप देख सकते हैं एफएलएन रूम किस तरह से तरह तरह के लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट के बल पर जो है ना, ये सारे टीएलएम को निर्माण किया गया है, जिससे हमारे विद्यालयी बच्चे इनोवेटिव आइडियाज़ को पा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारे शिक्षक बंधुओं को किस तरह से तिलक लगा करके उन्हें प्रवेश द्वार से होते हुए एफएलएन के प्रशिक्षण वर्कशॉप शिविर में ले जाया जा रहा है। देखिए इस भीड़ में हमारे जाने पहचाने दोस्त मित्र मिस्टर मणिलाल सोरेन जी, और जस्ट उसके पीछे मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, और इस तरह से बारी बारी से हमारे शिक्षक बंधुगण कतारबद्ध हैं कि इस एफएलएन शिविर का जो है ना वर्कशॉप है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। देख सकते हैं हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के चेहरे पर एक अलग उत्साह, उमंग और जोश बरकरार है। यह हमारे डाइट के प्रभारी प्रचार महोदय, मैनेजिंग एज ए मैकेनिज्म के तौर पर सारे सिस्टम को मैनेज करने में लगे हुए हैं। अब हमारे बीच मंचासीन माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री जगन्नाथ लोहरा जी, साथ ही साथ बोकारो जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय श्री अतुल चौबे जी, साथ ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती प्रतिमा दास जी, और हमारे एफएलएन फैकल्टी टीम की ओर से रांची से आगंतुक सभी गुरुजनों को आप देख सकते हैं। अभी देखिए हमारे वर्कशॉप में दीप प्रज्वलित कर इस एफएलएन ओरिएंटेशन और वर्कशॉप का जो है ना उद्घाटन माननीय जिला शिक्षा महोदय जी के कर कमलों से हो रही है। और साथ ही साथ बारी बारी से सभी हमारे मंचासीन पदाधिकारी इसमें दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये देखिए हमारे डीएससी साहब, ठीक है। इसके बाद जो भी एफएलएन के रिगार्ड्स में आए हुए हैं, सारे दीप प्रज्वलित किए हैं। अब इस एफएलएन की मिशन को किस तरह से हम अपने विद्यालय स्तर में बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों के बीच ट्रांसमिट कर सकें, बच्चों को हम देने में सक्षम हो सकें, उनके रिगार्ड्स में हमारे ज़िले के डीएससी साहब जी के द्वारा हम सभी को ये सारे टेक्निक बताया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तत्पश्चात अब हमारे ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री लोहरा जी के द्वारा जो है ना, हमें सारी वो बेसिक नीड्स एफएलएनस के बताया जा रहा है कि फाउंडेशन लेवल में हमारे बच्चों को अगर स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी तो बच्चे आगे और बेहतर परिणाम कर सकते हैं। और एफएलएन मिशन ही है आपका 1-3 क्लास तक में पढ़ने वाले बच्चे, जो एनएपी 2020 का जो कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4, उनके रिगार्ड्स में कुछ बातें यहाँ रखी जा रही हैं कि हमारे बुनियादी ढांचे, हमारे फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं, जिससे हमारा विद्यालय बच्चे आगे चल करके कहीं पर रीडिंग, राइटिंग और
स्किल को में पीछे ना रहें। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हमारे FLN टीम की ओर से जो रांची से आए हुए एक्सपर्ट, उनके द्वारा कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर किया जा रहा है। अब हमारे आला अधिकारी महोदय सभी कतारबद्ध होकर के FLN कक्ष के रिबन कट करने की ओर जा रहे हैं। रिबन कट चुकी है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ TLM है जो लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट के बल पर निर्मित हैं, और इनसे क्या क्या बेसिक बेनिफिट हमारे विद्यालय बच्चों को सीखने पढ़ने और समझने में सहूलियत होगी, इन सारे चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित कर दिखाया जा रहा है कि हम सभी शिक्षक भी अपने विद्यालय स्तर पर ऐसे सारे TLMs का निर्माण करके और इनोवेटिव आइडियाज़ को हम बच्चों के बीच रख सकते हैं। ठीक है, यह हमारे TLM कुछ दीवारों पर जो है ना यहाँ डिस्प्ले करके दिखाया जा रहा है किस तरह से वर्ड अल्फ़ाबेट वर्णमाला, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट और कंसेप्ट यहाँ पर बताई जा रही है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट के तहत हमारे बच्चे